इंदौर में एक होटल मालिक पर की गई कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि वहां कुछ गलत हो रहा था तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार के एक मंत्री का हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ वीडियो और खबर प्रकाशित होने वाली थी और ये कार्रवाई उस खबर को दबाने के उद्देश्य से की गई। हालांकि ये बहुत जल्द पता लग जाएगा कि वह मंत्री कौन है। अगर दमन की कोशिश होती है तो गलत बात है, अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है उसको सरकार रोकने की कोशिश करे, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन आम जनता में चर्चा है कि सरकार के एक मंत्री के कोई खबर छपने जा रही थी और उस खबर को छपने से रोकने के लिए संचालक साहब के ऊपर कार्रवाई की गई है। अगर खबरों को दबाने के लिए, अखबारों को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है तो ये गलत बात है और लोकतंत्र पे हमला है। देखिए, आपको खबर तो मैंने पढ़ी नहीं है ना खबर सुन, लेकिन आम जो चर्चा है कि सरकार के एक मंत्री की इसी तरह की जो हनी ट्रैप का मामला है, इस तरह की कोई कुछ खबर छपने वाली है और इसीलिए